सबसे पहले अगर बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल जारी है। 3400 के बाद 3000 के रेंज तक देखने को मिला है। कल के कारोबारी सत्र में 3300 तक जाता हुआ तो नजर आया था, लेकिन 3300 का लेवल छू नहीं पाया था। वहां से कुछ एक दो पॉइंट की गिरावट रह गई थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, बिनौला खल में ये जो उतार चढ़ाव है ये कब तक आगे जारी रह सकता है? देखिए, बिनौला खल जो है 3400 ऊपर, 3400 से ऊपर भाव गया था, बिल्कुल सही है। और आपको ये भी याद होगा कि जब 3400 का भाव था उस वक्त हमने कहा था कि यहाँ पर बेचने का सही मुकाम है, क्योंकि देखिए कारोबार व्यापार के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, यानी खरीद और फरोख्त, यानी बिकवाली और खरीदारी। यदि खरीदारी के बाद यदि आप उच्चतम स्तर के ऊपर यदि आप मुनाफा नहीं वसूल करते हैं तो वो व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि सांस लेना भी पड़ेगा और सांस छोड़ना भी जी पड़ेगा। ऊपरी स्तरों पे यदि आप आपने मुनाफा वसूल नहीं किया, आपने या आपको याद होगा संभवतः इस बाजार के अंदर सबसे पहले हमने आपको यही कहा था कपासखली के ऊपर कि इस स्तरों के ऊपर मैं खरीदने को तैयार नहीं, मुझे यहाँ से मुनाफा वसूल आती नजर आ रही है। और लगभग 8 से 10% की गिरावट देखी भी गई, और उसके बाद आपको याद होगा हमने ये कहा था कि 8 से 10% की गिरावट दर्ज हो गई है। अब यहाँ से आप धीरे धीरे खरीदने का समय है, क्योंकि जब तक आप निचले स्तर पे खरीदारी नहीं करोगे ऊपर के स्तर पे नहीं बेच पाओगे। और जो एनसीडीएस के ऊपर खाली सट्टाबाजी करने के है कि अभी खरीदे सुबह खरीदे शांत को बेच लें और 25-50 हजार रुपए हर रोज कमा के ले जाएं, ये संभव होता है, इसमें कोई असंभव भी नहीं है, लेकिन हर रोज ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है यदि कोई बल्लेबाज तो वो निश्चित रूप से बड़ी व्यापारियां खेलने में असक्षम होता है। एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के अवश्य पड़ते हैं, लेकिन या तो उसको बाद में अपनी रणनीति तब्दील करनी पड़ती है या फिर वो बाजार से या गेम से आउट हो जाता है। तो वही प्रवृत्ति यदि रखने वाले हैं तो एनसीडीएक्स के अंदर, यदि इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर जहां तक सवाल है कपास खली में थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, हाजिर के व्यापारी हैं, फिजिकल ट्रेड करने वाले व्यापारी हैं, उनको खरीदारी करनी चाहिए। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर विश्लेषण है। और आने वाले 1.5 से 2 महीने में तो कपास खली के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है जी, ऐसा शानदार मूव आने वाला है। क्या वो ऊपर का होगा वो शानदार मूव या नीचे का होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी हम विशेष एपिसोड लेके आएंगे। और जो हाजिर के कारोबारी हैं, और एक चीज और मैं बता दूं यार कि महाराष्ट्र को कल मैं पूरा डिटेल देख रहा था कपास का, तो महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कपास के अंदर, गुजरात भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, लेकिन कपास की जो महाराष्ट्र की मंडियों में कल 42,000 बेल्स की आवक हुई थी जो नॉर्मली 40,000 के आसपास रहती है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो इंक्रीज है रशिया और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेके, वहां से भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट कॉटन बाजार के अंदर भी थोड़ी सी पॉज आया हुआ है। और ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो भी कपास को थोड़ी सी देख के खरीद रही हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यदि जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होता है तो उसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा और उसके लिए बाजारों में थोड़ा सा ठहराव आएगा। तो अब पॉइंट ये है कि जब अराइवल थोड़ी सी बढ़ रही है, डिमांड को उनके अंदर जो बायर है वो थोड़ा सा सावधानी रख रहा है, तो उस टाइम बाजारों के अंदर ठहराव आ जाता है, और वो ठहराव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एनसीडीएक्स के ऊपर या उनके कॉटन कपास के ऊपर दिखाई देता है। तो ये एक अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन चतुर व्यापारी, चतुर कारोबारी और जिसको आगे का अनुमान है वो हर अपॉर्चुनिटी को एक अवसर, यानी हर गिरावट या तेजी को एक अवसर मानता है अपना मुनाफा लेने के लिए। उसके लिए हम विशेष शो लेके आएंगे बिनौला खल के ऊपर, आने वाले 2 महीने कैसे रहेंगे जो लेकिन आज जो वोलेटिलिटी रह सकती है ये बिनौला खल में हमारा आकलन है। जी अखिलेश जी, जी गणेश जी, जी।